मुंबई के कुर्ला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसे शराब पीने से मना किया था। मुंबई के भायखला में बीती रात बीएमसी की क्लीनअप वैन एक झुग्गी में घुस गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। इसमें एक 3 दिन का बच्चा भी शामिल है। लोगों ने वैन के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुंबई के लोगों को अगले मानसून तक पानी की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर ने मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सभी झीलों का जायजा लेने के बाद इसका ऐलान किया। मेयर ने कहा कि सभी झीलों में काफी पानी जमा हो गया है। मुंबई के पास वसई के राजौड़ी बीच में डूबे 4 युवकों के शव निकाल लिए गए हैं। ये युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे और इनमें से एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने की कोशिश के दौरान बाकी भी डूब गए। मरने वाले सभी नालासोपारा के रहने वाले थे। मुंबई के हाई प्रोफाइल किडनी रैकेट में धिंडोशी कोर्ट ने 2 डॉक्टरों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के डर से डॉक्टर वीना स्वेलेकर और सुवीन शेट्टी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। अब तक इस केस में अस्पताल के सीईओ और डायरेक्टर समेत 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने भाई वीर सिंह रोड पर हुए सड़क हादसे के आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 9 अगस्त को आरोपी ड्राइवर ने इनोवा कार से आइसक्रीम की रेहड़ी चलाने वाले अमृत लाल को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद जमा भीड़ को देखकर आरोपी ने अस्पताल ले जाने के बहाने अमृत लाल को कार में बिठा लिया, लेकिन घायल को वो बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से बड़ी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया है। अब दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी गाड़ियों से 1% ग्रीन सेस वसूला जाएगा और ये कंपनी, डीलर्स और खरीदार को चुकाना होगा। नवी मुंबई के वाशी में एक रो हाउस के स्लैब का हिस्सा नीचे गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। मरने वाली महिला का नाम दुर्गा सहानी बताया जा रहा है। पुलिस ने ठेकेदार और घर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर शुक्रवार शाम को लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित रही। मरीन ड्राइव और चर्चगेट स्टेशन के बीच अप और डाउन फास्ट लाइन पर तकनीकी खराबी के चलते लोकल ट्रेन देरी से चली। इसके चलते ऑफिस से छूटने वाले मुसाफिरों की भीड़ स्टेशन पर लग गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर संसद भवन को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों ही रंगीन बल्बों से जगमग हैं। इस बार रोशनी पर आने वाले बिजली का खर्च करीब 75 गुना सस्ता है, क्योंकि पहली बार हुआ है 25,000 LED बल्बों का इस्तेमाल।